हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने है जी बहुत ही जाना माना ब्रांड सोनालिका। सोनालिका कंपनी की दोस्तों आपके सामने है जी कंबाइन हार्वेस्ट। और आज जानने की कोशिश करते हैं कि इस मशीन में हमारे को क्या क्या फीचर, कौन सा इंजन और किस रेट में, किस प्राइस में हमारे को ये मशीन मिल जाती है। और एक बार जानने की कोशिश करते हैं, मशीन को एक बार चारों तरफ से पहले देख लेते हैं जी। हाँ जी, तो दोस्तों एक बार आगे से देख लेते हैं मशीन। यहाँ से जो मशीन का मेन पार्ट होता है जी, ये है जो यहाँ से अपना जो फसल है जो अंदर जाती है, सबसे शुरू यहीं से करेंगे जी। ये थ्रेशर है, जो ये गेहूं वाला थ्रेशर है जी। आजकल आने वाले समय में धान का सीजन आएगा, तो इसलिए कंपनी ने जो धान का जो थ्रेशर है वो अंदर फिट करके दे दिया। तो दोस्तों यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो इसमें हमारे को जो गेयर हैं ये मिलते हैं जी चार, और ये जो स्टेप हैं इसकी पत्ती हैं जो ये आ गई तीन, एक दो तीन, ठीक है जी। आम मशीनें जो होती हैं हमारी, उनमें ये गरारी जो होती हैं तीन होती हैं, फट्टी होती हैं दो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो नीचे इसके जो चादर लगी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये नीचे वाली, तो ये स्टील की चादर आ जाती है, क्योंकि घिसाई जो होती है वो यहाँ से माल जाता अंदर काफ़ी घिसाई हो जाती है, इसलिए इसको कर दिया गया है हमारा स्टील में, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे को जो हब रिडक्शन है हमारे बड़े जो हैं, ये काफ़ी कंपनी ने हैवी दे दी है हब रिडक्शन। और एक इस चीज़ इस कंबाइन में एक और बढ़िया चीज़ ये है कि गेयर बॉक्स के ऊपर ब्रेक भी लगा दी, हैंड ब्रेक जो है वो भी लगा दी, नहीं तो मशीन ने पहले क्या रहता था गियर में ही बंद करनी पड़ती थी। अगर बात करें फ्रंट की, तो प्रोजेक्टर लाइट दे दी कंपनी ने, सोनालिका की ब्रांडिंग दे दी सामने काफ़ी बढ़िया, इंडिकेशन और लाइट्स वगैरह जो है इसकी काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर के साथ आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। और अब चलते हैं साइड में, यहाँ हमारे को वही कंबाइन वाले 18-4-30 और पीछे 6-16 के टायर मिल जाते हैं। और अगर हम इसकी बात कर लें दोस्तों, एक मैं आपको इस कंबाइन में बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, बाकी तो लगभग मशीनें सभी एक जैसी बनावट की होती हैं, लेकिन इस मशीन में काफ़ी फ़र्क है। एक तो इसका दोस्तों ये जो ब्लोअर है ये पहले से काफ़ी बड़ा है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो हवा की, एयर की जो एडजस्टमेंट है वो भी आती हैं। आप थोड़ा सा अंदर से अगर ध्यान करो, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, ये जो लीवर है ये एडजस्टमेंट के हैं, उधर उस तरफ लीवर लगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। काफ़ी बढ़िया डिस्क ब्रेक जो है वो इस मशीन में आ जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जो इस मशीन में दिखाना चाहता हूँ सबसे मेन, वो ये है, एक तो मशीन को चारों तरफ से कवरिंग कर रखी है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये देखो जी, ये हैं एलिवेटर, जो गीली सूखी फसल हर एक तरह की जौन सी भी फसल होती है वो इन एलिवेटर से ही जाती है टैंक में। ये जो एलिवेटर है ये बाहर वाला, ये जो हल्का फुल्का जो ग्रेन मतलब जो कबाड़ अगर हल्का फुल्का रह जाता है वो कबाड़ यहाँ से वापस फिर चले जाता है वहाँ अंदर। और जो ये वाला एलिवेटर है इससे जो है वो दाने सीधे टैंक में चले जाते हैं। और एलिवेटर में गीली फसल भी जाती है, सूखी भी जाती है, लेकिन इसमें मैं आपको मेन चीज़ दिखाने वाली वो ये है। तो दोस्तों इसमें जो मैं सबसे मेन चीज़ आपको दिखा रहा हूँ वो ये है, ये एलिवेटर जो है इसके दो पार्ट हो जाते हैं, नट बोल्ट लगे हुए हैं इधर भी और इस तरफ भी, ये दोनों तरफ से खुल के एलिवेटर के दो पार्ट हो जाते हैं। आप इसको सीजन शुरू होने से पहले बढ़िया करके साफ़ भी कर सकते हो, और मशीन जब खड़ी हो जाती है तब भी साफ़ करके खड़ा करोगे तो आपको जो मशीन में अंदर जंग वगैरह वो बिल्कुल नहीं लगेगा। और दोस्तों यहाँ आ जाती है अपनी स्टेपनी, स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ आ जाता है, वाटर सेपरेटर के साथ मिल जाती है, वाटर सेपरेटर भी हमारे को मशीन में मिल जाता है, और उसकी जो चेन वगैरह जो स्पेसिफिकेशन वगैरह बेल्ट के जो हैं वो यहाँ लिखे हमारे को मिल जाते हैं। बहुत ही हैवी सिस्टम बना दिया गया है मशीन का, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा दूँ, लगभग 300-350 लीटर का इसमें डीजल का टैंक मिल जाता है। साइड में सोनालिका स्मार्ट मॉडल है ये। दोस्तों अगर मॉडल की बात करें तो ये कंबाइन में तीन मॉडल आते हैं, ये सेकेंड टॉप मॉडल है। तो साइड इधर से हमने लगभग देख ली, अब चलते हैं उस तरफ देख लेते हैं। इसमें एक बार मैं आपको इसकी जो बेल्ट वगैरह है वो दिखा दूँ जी, काफ़ी हैवी बेल्ट है, एडजस्टमेंट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, लाइट वगैरह सब लगी हुई है इसमें, ठीक है। इसको एक बार कर देते हैं बंद। ये है जी कंबाइन का पीछे का लुक, पीछे भी इसमें सोनालिका स्मार्ट एक कम्प्लीट हार्वेस्ट रिफ्लेक्टर वगैरह पीछे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये है जी इसका कंबाइन का पिछला हिस्सा जो कि काफ़ी हैवी है, हुक वगैरह आपकी यहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ एक बार मैं आपको दिखा दूँ, इस कंबाइन में जो
पीछे स्ट्रॉ वॉकर लगे हुए हैं जिसे हम स्ट्रॉ वॉकर कह देते हैं। यहाँ से क्या रहता है जी, कबाड़ जो होता है वो बाहर आता है ऊपर से। ये अगर हम कहें तो बहुत ही हार्ड लोहे का, बढ़िया लोहे का बना होता है। और यहाँ दोस्तों अगर जो हमारी लकड़ी यूज़ करी गई है, काफ़ी हैवी क्वालिटी की लकड़ी यूज़ करी गई है, यहाँ से ग्रीस करने के ग्रीसिंग पॉइंट बना रखे हैं सभी में, क्योंकि ग्रीस की ज़रूरत इसमें होती है। और ये आ जाती है हमारी सीप हैं जो, इसमें डबल सीप मिल जाती हैं जी, एक ये आ जाती है एक इसके आगे, इस तरह का कुछ जो हिस्सा हमारा जो मशीन में बना हुआ है इक्विपमेंट है हो जाती है। यहाँ से हमारी जो सीपें अगर ऊपर नीचे अगर सफाई हमारी कम या ज़्यादा जैसे करनी होती है, हम यहाँ से इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल यहाँ से दोस्तों इसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आता है, जैसे सभी मशीनों में सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आता है दोस्तों, उसी तरह से इस मशीन में भी सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आता है। और एक बार मैं आपको मशीन का लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो दिखा दूँ। इस तरह से हमारी जो मशीन हमारे को लेफ्ट साइड दिखती है दोस्तों, मैकेनिकल टाइप का हमारा इसका ऑगर मिल जाता हमें, और पीछे सोनालिका की बैजिंग। यहाँ पर हम सामान वगैरह रखने के लिए जो एक हमारे को दोस्तों यहाँ एक बॉक्स मिल जाता है, ये बहुत ही बढ़िया चाबी वाला लॉक है। यहाँ हमारे को ये इसमें जो है हैंडल वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, इंडिकेटर आ जाते हैं पीछे। तो बैरिंग देख लो जी, बैरिंग भी काफ़ी सही मिल जाते हैं हमारे को। और यहाँ पर एक कट करने के लिए, मतलब अगर आप मशीन को ज़्यादा दिन तक खड़ी करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको जो इसका करंट है वो कट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख लेते हैं जो इसके अंदर का सिस्टम है वो कैसा है। तो ये आ जाता है जी अंदर का सिस्टम सारा इसका, इस तरह का बना हुआ है। ये मेन पुली जो है ये आ जाती है इंजन से, मेन पटा जो चढ़ता है यहाँ से, भैया ने उतार रखा फिलहाल, पंप ऊपर लगे हुए हैं वो ऊपर से देखेंगे बाद में। ये है जी चेंजर, यहाँ से चेंज करते हैं सारा जो स्पीड जो है दोस्तों। कंबाइन में सिस्टम होता है जैसे स्कूटी होती है हमारी, स्कूटी जैसे जो इसकी बेल्ट से स्पीड कम या ज़्यादा होती है। यहाँ पर कोई गियर ट्रेन वगैरह गियर वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर लो जी, ये भी सब सिस्टम जो है वो, मतलब ऐसा दोस्तों जो कंपनी होती है वो कंपनी का फ़र्क अलग होता है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप। और दोस्तों ये आ गया जी इसका गेयर बॉक्स, क्लच और गेयर बॉक्स इस तरह का बना होता है। मैं अभी आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा, इस मशीन में 5 गेयर हैं। और ये है जी इसका फ़ैन जो ब्लोअर है, ये भी दूसरी मशीनों से बड़ा है। यहाँ से आप हवा की जो सेटिंग जो है वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं एक बार कंबाइन के ऊपर बैठ के देख लेते हैं किस तरह की मशीन हमें ऊपर से मिल जाती है। यहाँ पर इसका दोस्तों मॉडल वगैरह जो सब लिखा हुआ है। अब चलते हैं ऊपर, ये है जी प्लेटफार्म मशीन का, ये है लीवर जो चलाने वाले सारे लीवर हमारे को यहाँ मिल जाते हैं। ग्रेन टैंक में देखने के लिए शीशा मिल जाता जी, काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। तो ये है हमारा स्टीयरिंग, इस तरह का स्टीयरिंग मिल जाता है हमें मशीन का, एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, ज़रूरत के हिसाब से जितना मर्जी आगे या पीछे हम इसे कर सकते हैं। एक मशीन में और बढ़िया चीज़ है दोस्तों कि डबल पैडल मिल जाते हैं, ब्रेक के रेस भी बिल्कुल बढ़िया गाड़ी जैसे मिल जाती है। अब आ गया जी गियर सिस्टम इसका, ये पूरे इसमें 5 गियर मिल जाते हैं, 4 आगे के 1 पीछे का। ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आप जगह देख लो, सब पूरे के पूरे 5 गियर काम करते हैं इसके, पते नहीं है। ये आ गया जी सारा ऑपरेशनल एरिया मशीन का, यहाँ से कटर ऊपर नीचे हाई लो सारा सिस्टम यहाँ से हो जाता है। RPM मीटर, अल्टीनेटर के मीटर वगैरह सारा हमारे यहाँ आते हैं, हाथ वाली रेस जो है वो यहाँ पर आ जाती है। डबल डबल शीशे लगे हैं, ऊपर लाइट मिल जाती है एक, ठीक है, यहाँ मिल जाती है एक लाइट। स्टीरियो डेक वगैरह कंपनी से लगा लगाया आपको मिलेगा, छोटा सा एक लॉक बॉक्स यहाँ जाता है, स्पीकर भी कंपनी की तरफ से आपको अब लगे ही मिलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े शीशे। तो दोस्तों एक बार, एडजस्टेबल सीट भी मिल जाती है और आर्म रेस्ट के साथ आ जाती है इसकी सीट। एक बार दोस्तों मशीन के ऊपर चढ़ के देख लेते हैं जी किस तरह की मशीन हमारे को ऊपर से मिल जाती है। तो दोस्तों ये है मशीन का इंजन, लाल हिनो इंजन, सलेंसर जो है वो कंपनी फिटेड आता है जी इस तरह का, नहीं तो ज़्यादातर मशीनों का क्या रहता है जी सलेंसर पीछे वो कर देते हैं, लेकिन ये जो कंपनी फिटेड है इस तरह की ऊपर। रेडिएटर ओवल ओवरफ्लो रिजर्वायर कूलेंट बॉक्स मिल जाता है, जाली भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है मशीन में। दोस्तों इंजन की अगर हम बात करें तो ये है जी टर्म 3 इंजन है, लेकिन टर्म 4 इंजन अब आने लग गया। अगर टर्म 4 इंजन वाली अगर आप BS6 इंजन दोस्तों, अगर आप टर्म 4 BS6 इंजन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको जो मशीन की तरफ जाना पड़ेगा वो कम से कम भी 4.5 लाख रुपए महंगी है इससे। ठीक है जी दोस्तों, वाटर कूलर मिल जाता साथ में, टूल बॉक्स आ जाता यहाँ पर ऊपर। दोस्तों बात
एक बार कर लेते हैं मशीन के प्राइस की। अगर आप टर्म 4 इंजन लेना चाहते हो तो ये वाला इंजन भी दोस्तों बीजा 6 है। अगर आप टर्म 4 इंजन लेना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा जी हाई मॉडल में, वो आपको लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए महंगा मिलता है। अगर आप इसी मशीन को टर्म 3 वाला इंजन अगर आप लेना चाहते हो तो दोस्तों इस मशीन का जो प्राइस है वो आपको मिलेगी 25,50,000 में, यानी कि 25.5 लाख में मशीन आपको ये मिलेगी। ओके दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और इस मशीन में आपको कौन सी कमी लगी आपके हिसाब से, और कौन सा फीचर मशीन में होना चाहिए था जो नहीं है वो भी आप कमेंट करके बता देना। कौन सी मशीन आपको अच्छी लगती है वो भी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। आने वाले समय में कौन सी वीडियो देखना चाहते हो वो भी बता देना। वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।